मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं संजू शर्मा आज आपके लिए जो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रायोगिक परीक्षा, यानी कि हमारा उद्देश्य है प्रायोगिक परीक्षा 2019-20 को बेस्ट से बेस्ट करना। क्योंकि हम जो प्रायोगिक परीक्षा में स्टूडेंट्स कई बार ये गलतियां करते हैं, और उन गलतियों की जो छोटी छोटी वो गलतियां करते हैं, उन गलतियों के कारण उनके जो मार्क्स जो आते हैं उन नंबरों पर उनका बहुत ज्यादा प्रतिफल पड़ता है, या हम कहें उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उसे हमें किस तरीके से अच्छा बनाना है, इसके लिए हम सभी टीचर्स आपके लिए एक जो हमारी योजना है वो योजना हमने बनाई कि बच्चे जो लॉकडाउन में या COVID-19 की वजह से महाविद्यालय उपस्थित नहीं हो पाए, इसके लिए हमें किस तरीके से इस प्रायोगिक परीक्षा को सफल बनाना है, या हम कहें कि हमें किस तरीके से बच्चों के जो नंबर हैं उन्हें किस तरीके से अच्छा प्राप्त करें बच्चे, इसके लिए हमने जो सोचा कि आपकी लाइव क्लासेस हम लें, जिसमें लास्ट वीडियो में आपको प्रेमलता मैम ने और रेणु मैम ने आपको पूरे निर्देश दिए कि किस तरीके से आपको डायरी मेंटेन करनी है। क्योंकि जो हमारी दैनिक पाठ योजना की डायरी होती है उससे हम थोड़ा अलग हम फाइनल लेसन की डायरी बनाते हैं, तो बच्चे जो गलती करते हैं कि उन्हें डायरी किस तरीके से बनानी है, वो आपकी प्रॉब्लम उस समस्या को आपके जो समस्या थी उस समस्या के लिए लाइव क्लासेस ली आपकी प्रेमलता मैम ने, रेणु मैम ने। जो हमारे टॉपिक आते हैं जब हम विषयों का चयन करते हैं, तो उन विषयों के चयन करते समय हम उन टॉपिकों का भी चयन करते हैं, वो हमारे से सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है कि किस तरीके से हमें टॉपिकों का चयन करना है। कई बार ये होता है कि सब्जेक्ट हमारी कुछ और होती है और टॉपिक हमारे उससे रिलेटेड नहीं होते। इसका क्या होता है, जब हमारे एक्सटर्नल हमारे महाविद्यालय में उपस्थित होते हैं तो टॉपिक का तो प्रभाव होता है, अगर टॉपिक ही हमारे विषय से संबंधित नहीं होते हैं तो हमारे जो मार्क्स जो होते हैं उसके पर हमारा डेफिनेटली प्रभाव पड़ता है। इसी को देखते हुए हमें अब आगे का जो आज मैं अपनी लाइव क्लासेस लेके आई हूँ वो है हमारा मॉडल बनाने का तरीका। हम जब शिक्षण बिंदु या हम कहें सबसे पहले हम जब प्रकरण का चयन करते हैं, प्रकरण का चयन करने के बाद में हम क्या करते हैं, उसमें से हम टीचिंग पॉइंट लेते हैं। टीचिंग पॉइंट कि हमें उस प्रकरण में से हमें क्या पढ़ाना है, इन चीजों का हम उसमें चयन करते हैं। जब हम शिक्षण बिंदु का चयन करते हैं तो शिक्षण बिंदुओं को हमें किस तरीके से प्रेजेंट करना है, जो हम मॉडल के माध्यम से करते हैं, चार्ट के माध्यम से करते हैं, या हम PPT या OSP के माध्यम से करते हैं, तो इन सभी चीजों का हमें प्रयोग किस तरीके से करना है, ये हमें जब बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो कई बार ये होता है कि बच्चे अपने मॉडल का प्रयोग ही नहीं कर पाते हैं, वो जिस घबराहट में रहते हैं और उनका जो आत्मविश्वास कमजोर होता है, या कहें कि कई बार ये होता है कि उन्हें पता ही नहीं रहता कि उन्हें इससे संबंधित किस तरीके से मॉडल बनाने हैं, या मॉडल उन्हें कब दिखाने हैं, किस तरीके से मॉडल बनना चाहिए, मॉडल के प्रभाव क्या होते हैं, ये सभी चीजों का आज हम इस लाइव क्लासेस के माध्यम से बताने चाह रहे हैं कि प्रायोगिक परीक्षा में टॉपिक के बाद में हमारे प्रेफरेंस के बाद में हमारे लिए हमारे मॉडल कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इसके बारे में हम आज इस क्लासेस में बताने जा रहे हैं। तो बच्चों, हम सबसे पहले इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है कि मॉडल बनाते समय हमें उसका तरीका कैसा होना चाहिए और हमें उसका उपयोग किस तरीके से करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब उसे हटाना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें एक्सटर्नल बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। जब बच्चे मॉडल का प्रयोग करते हैं तो इन सभी चीजों पर हमारे एक्सटर्नल की सबसे ज्यादा तीखी नजर रहती है कि बच्चों ने मॉडल का प्रयोग किस समय किया, कितना टाइम किया, कब उसे हटाया, तो इन्हीं चीजों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कि जब हम मॉडल बनाते हैं तो मॉडल बनाने के लिए हम किससे संबंधित शिक्षण बिंदु लेते हैं, प्रकरण से संबंधित, यानी कि सबसे पहले हमारे विषय के अकॉर्डिंग हमारा टॉपिक होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि जो हम SST पढ़ते हुए आते हैं सामाजिक अध्ययन, बच्चे कैसे कंफ्यूज होते हैं कि सामाजिक अध्ययन के जो टॉपिक होते हैं वो सभी नागरिक शास्त्र में भी, ज्योग्राफी में भी, इकोनॉमिक्स में भी, इन सभी में ही वो टॉपिकों का सेमिनार कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं वो,
क्योंकि सामाजिक अध्ययन जहां हम नाइट नेट तक पढ़कर आते हैं, लेकिन यही विषय आगे जाकर हमारा स्तर क्या हो जाता है, विभिन्न शाखाओं में बट जाती है सामाजिक अध्ययन। तो वही सामाजिक अध्ययन जो हमारा इसका डिवाइडेशन होता है वही होता है हमारा नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, इन सभी विभिन्न सब्जेक्टों में इनका डिवाइडेशन होता है। अब हम देखते हैं सबसे चीज कंफ्यूजिंग वाली स्थिति आती है हमारी नागरिक शास्त्र में। नागरिक शास्त्र में जब हम टॉपिकों का चयन करते हैं तो बच्चे जहां इसे सिविक्स के नाम से हम इस बीएड में पढ़ते हैं, लेकिन हमने देखा है हम बीए तक इसे पॉलिटिकल के यानी कि राजनीतिक विज्ञान हम पढ़ते हैं इसके लिए। तो ये राजनीतिक विज्ञान के ही टॉपिक हमें नागरिक शास्त्र में चूज करने होते हैं। सबसे बड़ी यहाँ समस्या आ जाती है बच्चे इस चीज का अध्ययन नहीं करते, और जो हमारी सामाजिक अध्ययन जिसमें इन सभी सब्जेक्टों का समावेश होता है वो विषय हमारे लिए बीएड में सबसे अलग होती है। इसी नाम से हमारी यह विषय भी होती है, इसीलिए इस चीज से कंफ्यूज ना हो, हमारे यहाँ बीएड में ये सारी सब्जेक्ट से अलग होती है और साथ में हमारा ये सामाजिक अध्ययन अलग होती है। यानी कि यहाँ पर जिसकी ये शाखाएं थी वो शाखाएं एक अपने तरीके से पेड़ बन चुकी है और सामाजिक अध्ययन स्वयं में अपना एक पेड़ बना हुआ है। तो इसमें बच्चों बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, सामाजिक अध्ययन अपने में बीएड के लिए एक विषय है और नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास ये सभी विषय अपने में एक विषय है। इसीलिए हम ये मानते हैं कि जब हम प्रकरण का चयन करते हैं तो प्रकरण के चयन के समय हमें इन विषयों का भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सामाजिक अध्ययन का ही हम नागरिक शास्त्र में टॉपिक लें और अर्थशास्त्र का, इतिहास का, इन सब का मिक्स करें। तो सबसे पहली बात जब हम मॉडल बनाएंगे तो मॉडल बनाते समय हमें हमारे विषय से संबंधित हम प्रकरण लेंगे। हम ये देखते हैं कि जब हम प्रकरण ले रहे हैं तो प्रकरण हमारा, जैसे आज मैं आपको सिर्फ मॉडल का प्रयोग बताने जा रही हूँ, अब ये जो मॉडल का प्रयोग है ये ऐसा नहीं है कि हमारे आर्ट्स वाले अलग तरीके से लेंगे और साइंस वाले अलग तरीके से लेंगे, ये सभी के लिए है कि किस तरीके से इनका प्रयोग करना है और किस तरीके से बनाना है। थोड़ा जो हमारी प्रयोग करने का तरीका तो सबका ही होता है एक, चाहे वो लैंग्वेज सब्जेक्ट में हो, आर्ट्स में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, सिर्फ हमारा जो थोड़ा उसका डायरी में जो हम मेंटेन करते हैं, जो लेसन हम बनाते हैं उसका हमारा तरीका अलग होता है। अब देखते हैं छात्र, जब हम प्रकरण से संबंधित यानी हमारा जो मॉडल होना चाहिए वो प्रकरण से संबंधित होना चाहिए। अब बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं छात्र, कि जब उन्हें प्रेजेंटेशन देना होता है तो प्रेजेंटेशन देने के टाइम उन्हें ये पता नहीं होता है कि हमें लेसन का, जब एक्सटर्नल हमारी क्लास में आएंगे तो हमें प्रेजेंटेशन देना कैसे है, यानी कि हमें कहाँ से उस लेसन की शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले बच्चों इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हम जो सबसे पहले विशिष्ट उद्देश्य करते हैं, यानी कि हम यहाँ पर ब्लैक बोर्ड चौपट आपूर्ति के बाद में हम प्रकरण लिखकर और टॉपिक का नाम नहीं लिखेंगे। हम हमारे और जब हमारी कक्षा में एक्सटर्नल आएंगे तो एक्सटर्नल आते समय हमारे लिए हमारी जो व्यवस्थित हमारी सहायक सामग्रियां हैं वो हमें हमारे साथ में रखनी है। और मॉडल के लिए सबसे चीज ध्यान में रखनी है कि मॉडल के लिए हमें सबसे पहले से उसके लिए कहाँ लगाना है उसे व्यवस्थित रखना चाहिए, किस तरीके से हमें कब लगाना है उसे, यानी कि मॉडल को लगाने के लिए हमें पहले से जगह सुनिश्चित करनी चाहिए कि हमें मॉडल कहाँ लगाना है और साथ में किस तरीके से लगाना है। क्योंकि मॉडल को लगाते समय हमें किस तरीके से लगाना है, हम जब बच्चे एक्सटर्नल क्लास में आ जाते हैं तो घबराहट के कारण वो उसमें लगाना भी भूल जाते हैं कि कहाँ पर उसे लगाना है। अब हम देखें यहाँ पर कोई भी विषय ले लें, हमने यहाँ पर ले लिया है नागरिक शास्त्र का भामाशाह योजना के आधार पर। अगर बच्चों को अब यहाँ पर इस मॉडल का प्रयोग करना कब है, यानी कि जब एक्सटर्नल क्लास में आएंगे तो अपनी डायरी को वो पहले से ही वहाँ पर टेबल पर रखेंगे
और जो अपना मॉडल होगा उसे मॉडल को बैक करके वो अपने मॉडल को या तो वो साइड में रखेंगे क्योंकि उनका प्रयोग उन्हें अपना मॉडल पहले से नहीं दिखाना है, इसीलिए मॉडल को अपने यथा स्थान पर पहले से रख देंगे। अब उसे अगर आपको दीवार पर हैंग करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर पीछे एक चीज ये ध्यान रखेंगे कि मॉडल को आप थर्माकोल पर नहीं बनाएंगे। थर्माकोल का जो मॉडल होता है वो हम मान्य नहीं करेंगे, ना ही उसको एक्सटर्नल मान्य करेंगे। आपको जो मॉडल बनाना है वो आपको कैसा बनाना है, मॉडल कैसा होना चाहिए, मॉडल जहाँ इंटरेस्टिंग होना चाहिए उसके साथ साथ उसके लिए बनाने के लिए जो सामग्री हम काम में लेंगे वो भी हमें अच्छी लेनी है। यानी कि हमें कार्डबोर्ड पर आपके लिए जो मॉडल है वो कार्डबोर्ड पर आप बनाएंगे, प्लाई पर बनाएंगे, ना कि आप जो आपके लकड़ी का जो गत्ता आता है उसी के पर आपको बनाना है, थर्माकोल पर आपको नहीं बनाना है। ये आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। साथ में हमें बनाना है तो पीछे हम कोई टेपिंग लगा कर रखेंगे जिससे जब हम इसे जब प्रयोग करेंगे तब हम उसे लगा देंगे जिससे कि वो हमारा एक तरीके से प्रभावी बन सके। अब देखते हैं कि बच्चे जब मॉडल का प्रयोग करते हैं तो मॉडल का प्रयोग करने के लिए उसे पहले अपने लेसन की शुरुआत करनी है, प्रस्तुतिकरण जो प्रेजेंटेशन है, तो प्रेजेंटेशन बच्चे करेंगे अपने प्रस्तावना प्रश्न से। यानी कि हमें लेसन को आगे कहाँ से बढ़ाना है, प्रस्तावना प्रश्न से। प्रस्तावना प्रश्न में जब हमारा लास्ट का क्वेश्चन आएगा हमारा समस्यात्मक, उसे हम हमारे प्रकरण में टॉपिक में अंकित करेंगे, उसे अंडरलाइन करेंगे और अंडरलाइन के बाद में हम क्या करेंगे बच्चों से जो हमारे शिक्षण बिंदु है इसमें हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि मॉडल अगर हम बना रहे हैं तो मॉडल हम देखते हैं कि हमारे जहां तीन शिक्षण बिंदु होते हैं, शिक्षण बिंदु कितने होते हैं हमारे, तीन। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों कि हम ये भी कर सकते हैं कि दो का मॉडल बना सकते हैं और एक का चार्ट बना सकते हैं, या हम ये कर सकते हैं एक मॉडल बना सकते हैं और दो चार्ट बना सकते हैं, या हम ये भी कर सकते हैं कि हमें एक मॉडल और एक चार्ट। यानी कि अगर हमारे पास तीन शिक्षण बिंदु हैं तो उनके लिए हमें दो शिक्षण बिंदु के लिए हमारे मॉडल या चार्ट होने चाहिए जिससे कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो हमारा प्रभावी बने। इसीलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि हम तीन शिक्षण बिंदु ले रहे हैं तो उनमें दो का हमारा मॉडल जरूर से जरूर होना चाहिए। अब देखिए इधर कि अब हम मॉडल का प्रयोग कब करेंगे। अब जब हमने बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न किए, प्रस्तावना प्रश्न करने के बाद में हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो छात्र करते हैं वो गलती कौन सी करते हैं कि छात्र जब मॉडल का प्रेजेंटेशन करते हैं तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि विकासात्मक प्रश्न के सामने ही अपना शिक्षण बिंदु लिखते हैं, जबकि हमें शिक्षण बिंदु कहाँ लिखना चाहिए, छात्र अध्यापक कथन के सामने, छात्र अध्यापक कथन के सामने। क्योंकि हम जो कथन कर रहे हैं यानी कि मॉडल का प्रयोग हम किसके लिए कर रहे हैं, उन्हें समझाने के लिए, व्याख्या करने के लिए, तो उसी समय जब हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछ लेंगे और जब हमारा छात्र अध्यापक कथन आएगा, छात्र अध्यापक कथन के सामने हम अपने शिक्षण बिंदु को बोलेंगे और हम उसकी व्याख्या करेंगे, उसी वक्त यानी कि छात्र अध्यापक कथन के समय हमें हमारा मॉडल दिखाना होता है और हमें उसके माध्यम से बच्चों को उसकी व्याख्या करवानी होती है। देखो हम ये मानते हैं ना कि मॉडल का क्या प्रभाव होता है, देखो बच्चों के मॉडल का प्रभाव होता है कि मॉडल तो ऐसा होता है कि अगर हमने सही से मॉडल बनाया होता है तो जो शिक्षण बिंदु हम बच्चों को बताना चाहते हैं वो शिक्षण बिंदु हमें मॉडल को देखते ही समझ में आ जाता है कि हमारा शिक्षण बिंदु क्या कहना चाहता है। तो हमारा जो मॉडल है वो ऐसा इतना प्रभावी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उसमें स्वतः ही इंटरेस्ट लें और साथ में उसे देखते ही अपने शिक्षण बिंदु को समझ जाएं। तो इसमें हमने देखा कि हमारा कैसा होना चाहिए, हमारा जो मॉडल है कि हमारे शिक्षण बिंदु को देखते ही उस मॉडल को तुरंत समझ में आ जाए। सबसे ज्यादा इसका जो उपयोग करना है वो मैं
हमें कब करना है? जब हम छात्र अध्यापक कथन कर रहे हैं। छात्र अध्यापक कथन करते समय हमें इसका उपयोग करना है। और जस्ट इसका उपयोग करने के बाद में, क्योंकि छात्र अध्यापक कथन के बाद में हमारी व्याख्या खत्म हो जाती है, बच्चों को समझाना खत्म हो जाता है, उसके बाद में हमें वापस हमारा जो मॉडल होता है उसे बैक करके रखना होता है, ना कि हमारे उसे। कई बार बच्चे गलती करते हैं कि छात्र अध्यापक कथन कर दिया, मॉडल दिखा दिया, उसे वापस बच्चे इसी तरीके से सीधा रखते हैं। नहीं, क्यों नहीं रखना चाहिए बच्चों हमें? क्योंकि अगर आप नेक्स्ट शिक्षण बिंदु लेते हैं तो बच्चे आपके उससे भ्रमित होते हैं कि हमें कौन सा शिक्षण बिंदु पढ़ाया जा रहा है। साथ में हमें जो बोध प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, ये कहा जाता है अगर सहायक सामग्री को हम लगाए हुए छोड़ते हैं तो वो एक तरीके से होता है कि बच्चों को चीटिंग हम करवा रहे हैं, क्योंकि बच्चों से हम बोध प्रश्न करते हैं ना, उसके बाद में हम बोध प्रश्न पूछते हैं, तो वो बोध प्रश्न हमें, यानी कि बच्चों ने क्या सीखा उस कथन के माध्यम से, हम ये बच्चों को जानने के लिए हम उनसे बोध प्रश्न करते हैं। अगर हम हमारे मॉडल को ही उन्हें वापस दिखाएंगे तो बच्चे उसकी सहायता लेते रहेंगे और हमें आंसर देते रहेंगे। इसीलिए इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। एक्सटर्नल इन छोटी छोटी चीजों पर बहुत अधिक गौर करते हैं बच्चों। सबसे मेन मेरा मोटिवेशन आज यही है कि आप मॉडल का प्रयोग जब कर रहे हैं तब उसे सीधा रखें, और जैसे ही आपका कथन खत्म होता है उसे वापस आप बैक करके रख देंगे, जिससे कि आपको वो मॉडल दिखाई ना दे। अब आता है हमारा सेकंड शिक्षण बिंदु। अगर हम बोध प्रश्न करते हैं छात्र अध्यापक कथन के बाद में, फिर बच्चों से हम बोध प्रश्न पूछते हैं। बोध प्रश्न के बाद में इसी तरीके से जब हमारा सेकंड शिक्षण बिंदु आता है तो हम सेकंड शिक्षण बिंदु का हमारा मॉडल दिखाते हैं। तो ये हमारा जो मॉडल का प्रयोग होता है, ये हमारे लिए हमारी प्रायोगिक परीक्षा का सबसे अहम हिस्सा होता है। आप जहाँ अपने विषय का चयन कर रहे हैं, विषय के चयन के साथ जितना महत्वपूर्ण है उतना ही आपका ये आपका मॉडल है, क्योंकि मॉडल हमें प्रभावित करता है। हम देखते हैं कि जब बच्चों की हम डायरी खोलते हैं, मॉडल क्या है हमारे पास? मॉडल वही है जो आप सहायक सामग्री आपकी डायरीज में छोटे पार्ट में लगाते हैं, वही आपका मॉडल आपका उसका बड़ा रूप होता है। हम देखते हैं मॉडल का भी हम प्रयोग करते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे हम वास्तविक तौर पर भी करके दिखाते हैं। तो आपने देखा कि मॉडल को तो हमने हटा देते हैं, बैक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें बच्चे उससे भ्रमित ना हो। और इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर हम किसी चीज को प्रत्यक्ष दिखाते हैं, जैसे साइंस में देखते हैं बच्चे बल का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो एक दूसरे को लेकर वो किस तरीके से बल लगाकर या चुंबक का वो पढ़ाते हैं, गुरुत्वाकर्षण का, उस चुंबक को वो साइड में रख देते हैं। यानी कि आपको जो भी प्रयोग में ले रहे हैं आप सहायक सामग्री को, उसे आपको वापस अपने यथा स्थान से हटा देनी होती है जब आप कथन कर चुके होते हैं, समझा चुके होते हैं। तो इन्हीं चीजों का आपसे सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है मॉडल में। अब आपकी चीज थी हमारे पास मॉडल को कब दिखाना है, वो मैंने आपको बताया कि छात्र अध्यापक कथन के समय हमें मॉडल को दिखाना है। कब हटाना है? जब हमारा कथन पूरा हो जाता है, व्याख्या पूरी हो जाती है, तब हमें उसे हटा देना होता है। तो ये सभी चीजों का, इन छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान में रखना है। साथ में अगर हम इन सभी चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारी जो प्रायोगिक परीक्षा है उसमें हम जो 75 मार्क्स की होती है उसमें हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ले पाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि ये हमारा एक क्रियात्मक कार्य है, प्रैक्टिकल कार्य है। यानी जितना ये बच्चों पर क्रियात्मक कार्य क्या होता है, बच्चों पर स्वयं पर छोड़ते हैं। अब बच्चे ये कहें कि टीचर हमें हमारे मार्क्स अच्छे नहीं मिले, लेकिन मार्क्स अच्छे मिलेंगे किसके ऊपर है वो डिपेंड आपके ऊपर है। आप कितनी मेहनत करते हैं, किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन देते हैं, किस तरीके का आपका मॉडल है, इन सभी चीजों को देखते हुए बच्चों आप लोगों को आपके अंक प्राप्त करने हैं। और आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो आपको जो हम ये लाइव क्लासेस ले रहे हैं आपकी प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए, इन सभी परीक्षा जो आपके लिए लाइव क्लासेस है उन्हें आप ध्यान से देखें कि किस तरीके से हम इन चीजों के लिए आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, कि किस तरीके से आप अपनी प्रायोगिक परीक्षा को सफल बना सके, अपने मार्क्स अच्छे से ले सके। हमने हर चीज आपके हर पहलू को आपको ध्यान से इस चीज से अवगत करवाया है
कि किस तरीके से आपको प्रायोगिक परीक्षा को सफल बनाना है। सबसे पहले डायरी आपको किस तरह से मेंटेन करनी है, टॉपिक का चयन आपको किस तरीके से करना है, साथ में मॉडल का प्रयोग आपको कैसे करना है, इन सभी चीजों को हमने बहुत अच्छे से आपको समझा रहे हैं, जिससे कि आप कोई गलती ना करें और अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है बच्चों कि जो हमारे स्टूडेंट्स कई बार ये गलती करके लगे आते हैं कि जब हम मॉडल बनाते हैं तो मॉडल के ऊपर बच्चे क्या करते हैं, उन मॉडल के ऊपर बच्चे नीचे अपना नेम लिख कर लेके आते हैं या ऊपर अपना नेम लिखते हैं। तो ये गलती ना करें, क्योंकि हम नाम लिखते हैं हमेशा बैक साइड, इस जो मॉडल होता है हमारा उसके बैक साइड हम अपने नेम लिखते हैं और हमारे एग्जाम के रोल नंबर लिखते हैं। आगे हम सिर्फ और सिर्फ हमारे शिक्षण बिंदु को अंकित करते हैं कि हमारे जो दो शिक्षण बिंदु, अगर आपने एक मॉडल पर आपने दो शिक्षण बिंदु लिए हैं तो आपके दोनों शिक्षण बिंदुओं का वहां पर जो आपका एक्सप्लेन है वो वहां पर होना चाहिए, और ऊपर हम हमारा सिर्फ टॉपिक लिखते हैं जो आपका प्रकरण होता है। इसलिए भी हम हमारे सहायक सामग्री को बैक रखते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है ना कि हमें प्रकरण बाद में बताना होता है। अगर आप इसे ओपनली आप लेकर बच्चों के सामने रखेंगे तो क्या होगा, आपका प्रकरण बच्चों को पहले से पता चल गया होता है। तो इन सभी चीजों को आप ध्यान रखेंगे, अपने मॉडल बनाएंगे या तो दो मॉडल बनाएंगे एक चार्ट बनाएंगे या एक मॉडल एक चार्ट बनाएंगे, जितना अच्छा आप कर सकते हैं आप मॉडल बना के कर सकते हैं। हमने देखा है साइंस में और ज्योग्राफी में तो बच्चे इतना अच्छा मॉडल बनाते हैं, चाहे किसी जो प्रदूषण वाटर का लो या हार्ड बोर्ड के अलावा भी बच्चे एक अलग से क्रिएटिविटी करके लाते हैं। तो आपको उतने अच्छे से जो आप कर सकते हैं उस कार्य को आप करें, अपने शिक्षण बिंदुओं को अच्छे से समझाएं, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे प्रायोगिक परीक्षा में उस मार्क्स को ले सकें। तो यही हमारा आपसे जो हमारा निर्देश है वो यही है बच्चों कि आपकी प्रायोगिक परीक्षा में विषय वस्तु का सही चयन करें, मॉडल का सही ढंग से प्रयोग करें और मार्क्स अच्छे से अच्छे आप प्राप्त करें। आपके आने वाले प्रायोगिक परीक्षा के लिए आप सभी को शुभकामनाएं कि आप अच्छे से अच्छे इसमें मार्क्स लें, जिससे कि हमारी जो लाइव क्लासेस का हमारा उद्देश्य है वो पूरा हो सके। धन्यवाद।